आज अडोनियम में हमारा पत्तियां शुरू हो गई हैं। हमने इसमें माइकोराजा डाला था और ये देखिए अब हम आज ये सोच रहे हैं, देखिए क्या बढ़िया पत्तियां आ गई हैं। और जिनमें हमने रिपोर्ट नहीं किया था उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये देखिए क्या ज़बरदस्त फ्लावरिंग है, क्या खूबसूरत फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत है हमारा ये अडेनियम, इसमें खुल के आने लगे हैं। और ये पौधा हमारा एक ग्राफ्टेड है, इसमें भी का फ्लावर बहुत बढ़िया आया हुआ है। और बाकी हमने एक और ये ग्राफ्टेड है परंतु इसमें भी ग्रोथ शुरू हो रही है। दोस्तों आज हम इसमें देखिए ये हमारे पास नीम की खली है और ये है हमारे पास वो नीम, जी हाँ, तो इनको एक एक चम्मच हम आज इसमें डाल देंगे। इसके लिए पहले हम थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। देखिए देखिए इसमें पानी नहीं है, इसके बाद पानी लगा देंगे। और अगर हम आज नहीं तो कल इसमें 0534 ज़रूर डालेंगे, जिससे कि क्योंकि अब पानी भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, सूख रहे हैं पौधे और लखनऊ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पानी भी अब डेली चाह रहा है। तो आज तो मैं केवल यही डालूँगा। इसमें देखिए हल्का सा पानी है भी, तो ये देखिए। और हम ये देखिए गमले बहुत सारे हैं, पूरा वीडियो तो आपको हम नहीं शेयर डाल पाएंगे, परंतु जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है देखते हैं। अब इसमें है कम से कम दो बड़े उसमें दो चम्मच। बड़े हम जितने बड़े हमारे हैं इसमें दो चम्मच नीम की खली। और ये देखिए क्या बढ़िया हमारी जो है वो है, कहते हैं इसको बोन मील। देखिए ज़बरदस्त, ये ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, इसकी दो चम्मच काफ़ी हैं। और दो तीन चम्मच आप इसमें, ये पौधा बड़ा है देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसमें नीम की खली चल जाएगी। और बस इसको थोड़ा मिला दीजिए आप। बस इसी प्रकार से सारे गमलों में पानी डाल देंगे आज, पानी सुबह भी डाल सकते हैं, शाम को नहीं डालेंगे सुबह डाल देंगे। अब इस छोटा गमला है तो इसमें हम 1.5 चम्मच डाल देंगे। देखिए नीम की खली से कोई नुकसान नहीं होने वाला, नीम की खली कीटनाशक का भी काम करती है और फंगीसाइड का भी काम करती है, और इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। और बोन मील से आपको बढ़िया कैल्शियम मिल जाता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, तो हड्डी के खाद में ये हमारा बहुत ही अच्छी प्रकृति का ये है हमारा बोन मील। इसको हम कमी इसमें छोटे गमले में डाल लें। तो पानी लगाना ना भूलें आप। जैसे ये बड़ा गमला हमारा है बहुत, इसमें 3 चम्मच डाल देंगे। और इसमें 2 चम्मच ये वाली हमारी जो बोन मील है बहुत अच्छी आपको दिख रही होगी, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालेंगे छोटे गमले में खासकर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दोस्ती अगर भर के फूल चाहिए तो आपको ये सब करना पड़े। देखिए हम हार्मोन कोई डालते नहीं इसमें, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जिसको डालेंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम ना डालें, और हमारे पास है भी नहीं वैसे। तो इसी तरह से हम सारे गमलों में कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसी तरह भी ये हमारी अपडेट है, बुगाएँ ये हमारा ग्राफ्ट पौधा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत, बाकी ये जो हमने अभी रिपोर्ट नहीं किए थे उनमें बढ़िया फ्लावरिंग हो रही। देखिए इसमें पानी का ध्यान रखिए,
पानी समुचित दीजिए, अगर पानी नहीं देंगे तो पौधे आपके, देखिए खासकर इन ऐसे पौधों को जहाँ पर कॉर्टेक्स नहीं तैयार है वहाँ पर पानी आप लगातार देते रहें, गर्मी बहुत है नहीं तो पौधे आपके, ये छोटे पौधे हैं इनमें पानी की ज़रूरत है, नहीं देंगे तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लावरिंग जब हो रही है तो पानी ऐसे भी चाहिए। दोस्तों राम की बगिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों देखते रहें राम की बगिया।